इंडिया टॉप 10 बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के घर पहुंची आयकर विभाग की टीम। बेनामी संपत्ति मामले में नोटिस के बाद भी पेश नहीं होने के बाद पहुंची टीम भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज करेगी बयान। पीएम मोदी ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव को किया संबोधित। बोले, भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में पाई सफलता। हमारी क्षमता के निर्माण हमारे स्टैंडर्ड से ही होंगे तय। किसान आंदोलन में जियो की संपत्ति को पहुंचाए जा रहे नुकसान पर आया कंपनी का बयान। बोले, कृषि कानूनों से कंपनी का कोई लेना देना नहीं। हमारी कंपनी ना तो किसानों से खाद्यान्नों की सीधी खरीद करती है और न ही वह अनुबंध पर खेती के व्यवसाय में है। किसान कानून पर सरकार और किसानों के बीच सातवें दौर की वार्ता जारी। किसानों ने कानून रद्द करने की दोहराई मांग। राकेश टिकैत ने कहा, किसान आंदोलन में अब तक 60 किसान गंवा चुके हैं अपनी जान। देश भर में पिछले दो महीने में कर चोरों पर बड़ी कार्रवाई। कर चोरी करने वाले 180 लोगों को किया गया गिरफ्तार। गंभीर आरोप होने के कारण नहीं मिल रही बेल। सरकार ने अपने नए सॉफ्टवेयर की मदद से पकड़ी चोरी। अखिलेश यादव के बाद बाबा रामदेव ने कहा, नहीं लगवाऊंगा कोरोना वैक्सीन। बाबा रामदेव बोले, हमारे योग की शक्ति के आगे नहीं टिकेगा कोरोना का कोई भी स्ट्रेन, चाहे जितने रूप लेकर आ जाए वायरस, आयुर्वेद की शक्ति से करेंगे मुकाबला। कोरोना वैक्सीन की मंजूरी पर बोले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह, वैक्सीन को मंजूरी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ऐतिहासिक क्षण। देश के वैज्ञानिकों की काबिलियत पर न उठाएं सवाल, दोनों वैक्सीन है पूरी तरह से सुरक्षित। अलीबाबा कंपनी के मालिक जैकमा पिछले दो महीने से लापता। चीनी सरकार के कामकाज पर उठाए थे सवाल। चीन सरकार पर जैकमा को गायब करने का संदेह। अपने खुद के टीवी शो में नजर नहीं आ रहे जैकमा। वीगर मुसलमानों के मुद्दे पर संसद में घिरे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोवान। वीगर मुसलमानों पर चीन कर रहा अत्याचार। एर्दोवान पर लगा चीन के सामने संपर्क करने का आरोप। मुंबई मनपा चुनाव में हो सकता है बीजेपी और मनसे का गठबंधन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने खुद दिए संकेत। शिवसेना के साथ छोड़ने के बाद से बीजेपी मनसे के साथ जाने की चल रही थी अटकलें। नवीबई के वासी में पुलिस की जामबाजी से बची महिला की जान। टेरिस से कूदकर जान देने जा रही थी महिला। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस कर्मियों को सराहा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।